बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद सादिया अमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में फ्लाइंग सॉसर सैंडविचेस। ये सैंडविचेस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बनाने में बहुत इजी हैं, छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट हैं और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स उसमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। गाय का गोश्त मैंने लिया है, बीफ मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो, 1 किलो बीफ मैंने लिया है और इस तरीके से मैंने बोटियाँ जो हैं वो इसकी बना ली हैं ताकि फटाफट जो है वो गल जाए। अच्छा, इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लाल कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च है। नमक 1 टीस्पून लिया है, आप हसबे ज़ायका देख लीजिएगा। अच्छा, अदरक लहसुन पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है और हरी मिर्च पिसी हुई जो है वो 1 टीस्पून है। देखें जी, गोश्त में मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाल लिया है। पतीली में मैंने गोश्त को डाल दिया है, 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें मसाला जार डाल दूँगी। हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया, लाल कुटी हुई मिर्च मैंने डाल दी, हरी मिर्च पिसी हुई मैंने डाल दी, अदरक लहसुन पेस्ट और नमक। ठीक है, अच्छा, अब मैं इन तमाम चीज़ें डाल के मैं ढक्कन ढक दूंगी और अपनी जो गोश्त है उसको बॉईल करना शुरू कर दूंगी। जैसे ही गोश्त गल जाएगा पानी मैं खुश कर दूंगी और इसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। गोश्त हमारा बॉईल हो चुका है, ठीक है, और गोश्त को मैंने बॉईल करने के बाद हाथों से इसके जो है बारीक पतला रेशा कर दिया इसका। अच्छा, अब हम जो है अपने सैंडविचेस फ्लाइंग सॉसर सैंडविचेस की जो है वो फिलिंग रेडी करेंगे और फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने 1 अदर टमाटर लिया है और 1 टमाटर को जो है मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर दिया है स्क्वायर शेप में। ऐसे ही 1 अदर शिमला मिर्च मैंने ली है, इसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही मैंने बारीक चॉप कर दिया है। अच्छा, ऑयल मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने लिया है, नमक 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, हल्दी पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है और लाल कुटी हुई मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। टमाटर और शिमला मिर्च ज़रा सा घुमा लेंगे और अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ अपने, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर और सॉल्ट। इसको ज़रा अच्छे से भून लेंगे ताकि ये तेल छोड़ दे। इसके बाद मैं अपना जो गोश्त है वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके अपनी फ्लेम को जो है वो ऑफ कर दूंगी। गोश्त मैंने ऐड कर दिया है इसमें, अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि जो है गोश्त भी इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए और ऑयल जो है वो छोड़ दे, तो हमारी फिलिंग जो है वो सैंडविच के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखें जी, अब हम अपने सैंडविच की जो है फाइनल स्प्रेडिंग की तरफ आएंगे। तो मैंने जो है सैंडविच ब्रेड्स ली हैं, ठीक है, सैंडविच ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, धनिया मैंने चॉप कर लिया है, मायोनीज मैंने लिया है और टोमेटो केचप मैंने ले लिया है। अगर आपको टोमेटो केचप नहीं पसंद तो आप जो है वो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो ब्रेड स्लाइस पर हम मायोनीज लगा देंगे, ठीक है, दोनों स्लाइसिस पे हम मायोनीज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है चिली गार्लिक सॉस या केचप जो भी आपको पसंद है वो थोड़ा सा लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपनी फिलिंग को ऐड करेंगे, फिलिंग को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अच्छा, धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद जो है मैं अपना सैंडविच को बंद कर दूंगी। अब फाइनल जो स्टेप ये है हमारा कि अब मैं अपने सैंडविच को जो है वो ग्रिल पैन में ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल पैन को मैंने जो है वो घी लगा के जो है इसको ग्रीसी कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, घी लगाएँ, ऑयल लगाएँ या बटर लगाएँ, ठीक है, इसको मैंने ग्रीसी कर लिया है। अच्छा जी, ग्रिल पैन जो है वो रेडी है बिल्कुल ही।
अच्छा, मैं अपना सैंडविच जो है वो अब इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम जो है वो साइड चेंज कर देंगे और फिर दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखें जी, एक साइड से जो है वो सैंडविच का कलर आई एम श्योर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लाइट गोल्डन हो चुके हैं हमारे सैंडविचेस, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फ्लाइंग सॉसर सैंडविचेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। शाम की चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।